गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंचल और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ फ्लिपकार्ट का जो बैग हॉल है वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने बैग्स लिए हैं, 300, 400, 500 जो भी बोल लो आप, अंडर 500 में हैं बैग्स। इतने बड़े हैं गाइस, इतने बड़े, शायद आपको वीडियो में साइज थोड़ी पता नहीं आती होगी, अच्छे से समझ नहीं आती होगी, इतने बड़े बड़े हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल प्राइस में है, आप डेफिनेटली ले सकते हो। उसकी सारी जो बाइंग लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप बाय करने में इंटरेस्टेड है तो बाय कर सकते हो। उनकी ब्रांड का पूरा लिंक मैं दे दूंगी, तो आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो उनका सारा कलेक्शन खुल जाएगा, तो आपको जो लेना है वो भी ले सकते हो और मैंने जो दिखा है वो भी ले सकते हो। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे हॉल्स किए हैं, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि मीडियम और बिग साइज के बैग्स जो है उसका हॉल कीजिए, तो इसीलिए मैं लाई हूँ। और मेरी चैनल पे बहुत बैग्स और मिल जाएंगे। मेरी चैनल को आप बैग का अड्डा बोल सकते हो। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके ना शेयर कीजिएगा, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है वो दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। तो चलो अब हमारे बैग हॉल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला बैग है ये, देख सकते हो वैसे ही आप, रेड कलर का है, ब्राइट रेड कलर का है। यहाँ पे देखोगे तो चार बटन्स दिए हैं उन्होंने दोनों साइड पे, उस तरह की पैटर्न दी है, बहुत ही प्यारा है। ये जो है वो मीडियम साइज का है गाइज। यहाँ पे उन्होंने अपनी ब्रांड का नेम लिखा हुआ है एफडी फैशन करके। यहाँ पे खोलोगे ये फ्रंट साइड ही है, ये फ्रंट साइड से इस तरह का लगता है। यहाँ पे एक पॉकेट है जिप वाला, आप जैसे देख रहे हो वैसे बड़ा सा है, सारा आ जाएगा इतना है। अगर आप कॉलेज भी जाते हो तो पेन पेंसिल वगैरह जो होता है वो आ जाएगा। ये भी इतना ही बड़ा है, तो दो आगे से ऐसे पॉकेट है। जनरली हमें क्या होता है कि हम यहाँ से शोल्डर से जब लगाते ना तो हम पूरा बैग नहीं खोल पाते, छोटी छोटी चीजें यहाँ रखने के लिए ये वाला बैग जो है वो बेस्ट है। कीज वगैरह है, छोटे छोटे चिल्लर जो होते हैं, जब जो भी लेडीज है वो ट्रैवलिंग करती है ना, यानी कि ट्रेन में या बस में या ऑटो में, तो उनको पूरा बैग यहां से खोलते हैं ना तो सारा स्टफ है ना हमारा उल्टा सीधा हो जाता है, लेकिन यहां पे रखते हैं ना तो हाथ में आ जाता है जल्दी, तो ये वाला वो उसके लिए अच्छा है आगे जब जीप दिए है। तो ये इसका बेल्ट है, जैसे आप देख रहे हो वैसे इस तरह का बेल्ट दिया गया है। अंदर से मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी उन्होंने अपना ब्रांड का लोगो लगाया हुआ है। दो कंपार्टमेंट मिलते हैं, ये फर्स्ट वाला है, न्यूज़पेपर निकालू, और ये सेकंड वाला है, इसमें भी है, मैं निकाल लेती हूँ फिर आपको अच्छे से दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखो इतना बड़ा है, अंदर का फैब्रिक देखोगे तो उनकी ब्रांड का लोगो लगा है, और फैब्रिक भी अच्छा वाला है, बिल्कुल भी चीप वाला नहीं है, फट जाएगा वो हॉल्स वगैरह हो जाएंगे ऐसा नहीं है। ये दूसरा है, ये मीडियम टू लार्ज में जाता है, मीडियम साइज का है, इतना भी बड़ा नहीं है लेकिन मीडियम है, काफी सारा सामान आ जाएगा। अंदर भी एक पॉकेट दिया है इस तरह का, जैसे आप देख रहे हो वैसे यहाँ पे भी पॉकेट दिया है। ये दो बड़े बड़े पॉकेट है, सारी चीजें आ जाएगी, एक दो कंपार्टमेंट, ये छोटा वाला तीन और आगे एक दो, ये टोटल पांच हुए। और पीछे देखोगे आप तो पीछे भी यहाँ पे भी दिया है, ये भी बहुत बड़ा है, देखो मेरा हाथ चला गया है पूरा, तो ये भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे भी बहुत सारा सामान आ जाएगा, यहाँ पे भी अंदर का फैब्रिक जो है वो सेम है, पीछे से इस तरह का लगता है अब जैसे देख रहे हो वैसे ही, और नीचे से ऐसा है, यानी यहाँ से आप ऑलवेज जब भी बैग देखते हो तो यहाँ से आप मेजर कर सकते हो कि इतनी चौड़ाई है, तो इतना सारा सामान आ जाएगा, चौड़ाई से हमें पता चलता है इस तरह का। तो ये वाला मुझे पसंद आया है, आप डेफिनेटली ले सकते हो, क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा है। उसके बाद का जो बैग है वो पिंक कलर का है, जैसे आप देख रहे हो ये वाला, ओ माय गॉड इतना ब्यूटीफुल है ये वाला बैग, इतना स्टाइलिश लगता है, क्लासी लगता है, बिल्कुल भी चीप नहीं। आप देखो, इसीलिए मैंने इस बार ये क्लोजअप वाला वीडियो बनाया है। देखो आप इसकी क्वालिटी देखो, और ये वाला जो है ना यहाँ से भी आप देखो हार्ड है, तो बिल्कुल भी अंदर की कोई भी चीजें होगी आप ही टूटेगी नहीं, साइड से इस तरह का लगता है, नीचे से इस तरह का लगता है। यहाँ पे देखोगे कि तो उन्होंने अपनी ब्रांड का लोगो लगाया है, बेल्ट देखोगे तो इस तरह का है उसका, मतलब कि पकड़ने के लिए, और मैं खोल के दिखा दी, इसका कलर भी इतना अच्छा है और ये इतना अच्छा है, स्टाइलिश है, डेफिनेटली मस्ट बाई है गाइस ये वाला भी। ये एफडी का कलेक्शन बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने फर्स्ट बार ट्राई किया है लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अंदर उन्होंने बेल्ट भी दिया है, मैं वो सब कुछ दिखाती हूँ आपको। ये है एक ही कंपार्टमेंट है, आप देखा, ये जो है एक ही कंपार्टमेंट है, अंदर है छोटे छोटे दूसरे, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे तो बेल्ट के लिए है, और यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी बेल्ट लगा के दिया है, ये रहा, यहां से लेके यहां तक लगा देना, बेल्ट बहुत लंबा है, यहां तक लगा देना है,
ठीक है, तो अंदर न्यूज़पेपर है, निकाल देती हूँ। जीप एक ही है इसकी, बड़ा वाले कंपार्टमेंट में, लेकिन अंदर से बहुत सारे कंपार्टमेंट है, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से बहुत बड़ा है। ये फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट है, यहाँ पे देखो पॉकेट दिया है उन्होंने रखने के लिए, और यहाँ पे उन्होंने पिंक वाओ ऐसा ही लगाया है उनका बैग का जो है वो लेदर। ये दूसरा है, इतना बड़ा है, और ये जीप वाला है वो तीसरा है, जिसमें बीच में भी आपकी बहुत सारी चीजें आ जाएगी। ये थर्ड वाला है, वो भी इतना ही बड़ा है देखो। और बाकी के दो जो है ना गाइज, ये देखो बाकी के दो, ये एक और ये दो है ना, वो ही साइज का है जीप वाला भी। तो ये तीन कंपार्टमेंट बड़े बड़े, ये जो है वो फोर्थ हुआ, और अंदर भी एक दिया है जीप वाला, जहां पे आप अपनी छोटी छोटी चीजें रख सकते हो। यहाँ पे ये भी दिया है, इस साइड भी दिया है, लेकिन इसमें जीप नहीं दी, अदरवाइज ये भी दिया है। आप जैसे देख रहे हो वैसे ही इस तरह का, और पीछे देखोगे तो पीछे भी दिया है जीप वाला, ये भी बड़ा है। तो डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, मीडियम टू लार्ज है, बहुत बड़ा है, और आपको ऐसे रखना है तो ऐसे कैरी कर सकते हो, और बेल्ट के साथ शोल्डर पे लटकाना है तो भी कर सकते हो, वो टाइप का है। मेरी तरफ से ये वाला जो है वो भी मस्ट बाय है। उसके बाद का है वो डार्क ब्राउन कलर का है, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही, और ये अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, आप टीनेजर हो, इवन आप स्कूल में पढ़ते हो, तो उन लोगों के लिए तो मस्ट बाय है। वो टाइप की पैटर्न है, आप देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने धागा धागा वाला स्टिच वाला पैटर्न रखा है, और यहाँ पे उन्होंने अपना किचन टाइप का दिया है ये जो है वो, और मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह का हैंडल है उसका। अंदर देखोगे तो इस तरह से कंपार्टमेंट है जो खोलना है, और ये देखो यहाँ पे ये बटन दिया है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, इस तरह से दोनों साइड पे ऐसा हो जाएगा। तो स्टाइलिश है, कॉलेज इन के लिए, टीनेजर के लिए बेस्ट है। यहां से खोलना है जीप, अंदर से खोलेगी तो इस तरह। अभी मैं खोल देती हूँ ताकि आपको पूरा ब्रॉड करके दिखा सकूं। अंदर से इस तरह का है, अंदर का देख लो बहुत बड़ा है, अंदर का देखोगे तो बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है। अंदर का फैब्रिक इस तरह का है, और यहाँ पे एक छोटा सा दूसरा भी पॉकेट दिया है, जहां पे आप अपनी छोटी छोटी चीजें रख सकते हो वो वाला। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी इसकी अमेजिंग है, सारे पर्स की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। पीछे देखोगे तो पीछे भी एक जीप वाला कंपार्टमेंट दिया है, जहां पे आप अपनी सारी चीजें रख सकते हो। ये वाला कंपार्टमेंट भी बहुत बड़ा है, देखो बहुत ही बड़ा है, क्लोजअप में इस तरह का लगता है। नीचे देखोगे तो नीचे इस तरह का है, उसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है, आपकी चाहे कितनी भी बैग्स हो, कितनी भी नोटबुक्स हो, सब कुछ इसमें आ जाएगा। इवन आप छोटा बच्चा है और आप डायपर्स वगैरह या उनकी सारी जो चीजें होती है, कपड़ा वगैरह रखना चाहते हो, वो भी आ जाएगा। वो टाइप का है, बहुत ही बड़ा है। क्वालिटी मुझे इसकी बहुत पसंद आई है, ये भी एफडी ब्रांड का ही है, सारे वो ही ब्रांड के मैंने इस बार बाय किए। सारों की बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद आया है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में गाइस, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।